जी वेलकम बैक, वापस आ गए हम। कुछ गुफ्तगू हो रही थी हमारी और ज़ुल्करनैन साहब से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि इनसे एक दफ़ा इत्तेफाक हुआ था इनके साथ काम करने का और बहुत कुछ सीखा। और जब बात भी कोई करते हैं तो कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं, ये बड़े लोगों की निशानी होती है। आपकी मोहब्बत और आपकी मेहरबानी है, आप खुद बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो और आपके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। ये ज़रूरी नहीं होता कि जो सीनियर काम कर रहे होते हैं उनसे आप सीखते हैं। बहुत दफ़ा जब जूनियर लोग, जूनियर मींस जो बाद में आने वाले, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, तो वो जब वो लोग आते हैं तो मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ और उनसे जो स्पार्कनेस और जो उनसे फ्रेशनेस और जो उनसे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। अच्छा, बहुत सारी खामियां हम में होती हैं, जो नए आने वाले होते हैं वो फास्ट होते हैं और कह रहे होते हैं यूं हो, तो फिर उनको देख के अपने आप को मैं दुरुस्त कर लेता हूँ कि अच्छा नहीं जी, ये चीज़ मुझ में गलत है। नहीं, आपके बड़े होने की निशानी है, वरना मुझे लगता है। अच्छा, एक दौर बीच में आया था जूनियर और सीनियर्स की अगर हम बात करें तो एक दौर आया था कि जब बहुत जूनियर्स जो थे वो बड़े डिसरिस्पेक्टफुल हो गए थे, रिस्पेक्ट नहीं करते थे बड़ों की, मगर अब वो चीज़ मैं दोबारा देखती हूँ कि अब बेहतरी होनी शुरू हो गई है। जिस तरह से आपको याद होगा एक वक्त आया था जब ड्रामास बहुत इन्फ्लुएंस हो गए थे स्टार प्लस से, और अब जो है वो ड्रामास के अंदर अगर आप अपनी स्क्रीन देखें तो आपको वो क्लासिकल टच नज़र आ, अपनाइत नज़र आती, अपनापन नज़र आता है। आई थिंक दैट इज़ बैक। तो वो ड्रामास देख के आपको कैसा महसूस होता है, क्योंकि एक वक्त था जब हर वक्त लोग ये बात करते थे कि वो चीज़ नहीं रही या वो स्क्रिप्ट नहीं रहे या वो समय, बिकॉज आजकल के नए डायरेक्टर्स भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। कौन सा फेवरेट? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नए लोग, और मैंने हमेशा ये बात की है सीनियर जूनियर तो आप के उम्र वक्त और जो आपने ज्वाइन किया है शोभा उस हिसाब से होता है, लेकिन मेरे ज़ाती ख्याल में सीनियर जूनियर नहीं होता, अच्छा होता है या बुरा होता है। बिल्कुल ठीक, ठीक है ना जी, ये तो हो गई एक बात। मेरे कहने का मकसद ये है कि बहुत से लोग हैं जब आप वो ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद जब काम कर रहे होते हैं तो वो अपने पुराने लोगों को फॉलो कर रहे होते हैं। मुझे जो इस वक्त जो नए लोग काम कर रहे हैं वो बहुत मेहनती लोग हैं। अच्छा, जो गाइडलाइन है ना हमारे यहाँ, रहबर रहनुमा जिसे कहते हैं, लीडर जिसे आप कहते हैं, वो मुल्क और कौम में भी नहीं नजर आ रहा, फुकदान है। इसीलिए हम परेशान हैं, प्रॉब्लम है हमें। इसी तरह हमारे इदारों में या हमारे उन लोगों में भी वो चीज जो एक गाइडलाइन की जाती दी जाती है उसका फुकदान नजर आ रहा है, कमी में महसूस हो रही है। अच्छा, हमने स्टार प्लस से या स्टार या फलाना फलाना जो भी लटरम पटरम जो भी किसी चैनल का आप नाम लें उससे निजात मिल गई हमें, लेकिन हमारा अपना तायुन नहीं हुआ हुआ है। हम ये ड्राइंग रूम मीडिया क्यों कहलाता था या क्यों कहलाता है? आप इस वक्त सबके घरों के अंदर ड्राइंग रूम में बच्चों, बीवी, बुजुर्ग उनमें बैठे हुए, ऐसे ही है। मुझे एक खातून मिली एक तकरीब में, वो थोड़ी थोड़ी देर बाद मेरी तरफ देखती थी तो कहने लगी कि तू कितना मुंडा है। अच्छा, अब वो उनके जहन में कुछ के शमीम दे कि परवीन, मैंने कहा जी तुसी आप याद करो, तू साडे घर आना है, मैं कहा जी बहुत आना, कदों आना है, मैंने कहा जी जब तुसी कुंडियां भी ला देंदे हो, तारे ला देंदे हो, मैं फिर भी साडे घर होना। अच्छा, है किदा मुंडा की है। अच्छा, वो इतना वो रही और जब उन्हें फिर पता चला टीवी से आंदा याद आ गया उनको, याद आ गया, फिर उन्होंने जितना प्यार किया तो मुझे लगा मैं उस फैमिली का हिस्सा हूँ, तो हम एक फैमिली का हिस्सा हैं। अच्छा, अब जब मेरा कलम उठेगा किसी सब्जेक्ट के लिए, इस वक्त कहा यह जाता है कि जी ये हकीकत है, तो हकीकत लिखना तो कोई ऐसी नहीं है। कहा जाता है कि जी फलाना बड़ा बोल्ड राइटर है। अच्छा, बोल्ड में और बदतमीज में फर्क है। अच्छा, मजाक करने में मजाक माँ से भी होता है, मजाक बहन से भी होता है, मजाक बीवी से भी होता है, और वाहियात मजाक करने, मजाक मेरे और आपके दरमियान भी होता है। मजाक करना और मजाक उड़ाने में फर्क है ना। बहुत अच्छा, ये कौन बताएगा? बहुत ही खूबसूरत, इसके लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब जब सब्जेक्ट आ रहे हैं जो कि जी ये सब्जेक्ट बुक का है, ये सब्जेक्ट टेलीविजन का है, ये सब्जेक्ट रेडियो का है, सही, ये सब्जेक्ट अफसाने का है, ये जो मीडिया, ये जो डिफरेंट मीडियम है ना, बिल्कुल, अफसाना, ड्रामा, कहानी, ये इनमें फर्क है ना। बिल्कुल। तो टेलीविजन
इसका जो प्ले है उसका एक अपना एक मिजाज और एक ये है कि जी ये टॉपिक ये सब्जेक्ट जी फिल्म है हाँ। फिल्म में आप मैंने एक लाउड सब्जेक्ट लिया ठीक। ये आपकी चॉइस है, आप अपनी फैमिली के साथ चाहो, आप अकेले चाहो, आप अपने रूम में बैठ के आप सीडी में उसको देखना चाहो तो आप देखो, अदरवाइज आपने उसको बंद कर दिया कि नहीं जी ये मेरे टेस्ट नहीं है, मेरे देखने के नहीं है, या ये बेहुदा है। बिल्कुल आपकी अपनी चॉइस है ना, आपके हाथ में, आप देखिए ना दिखाएं। टेलीविजन के ऊपर एक फैमिली की तरीके से आप जब भी चाहे आप बच्चों के साथ बैठ के आप उसको ऑन कर देते हैं, तो हमें ये मद्देनजर रखना है। हमें हमारे बड़ों ने सिखाया है कि जी ये सब्जेक्ट टेलीविजन का नहीं है, ये बात टेलीविजन की नहीं है। आज मैं क्या कहूँ, फिर मैंने कहा ना बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं मुझसे या लड़ाई करते हैं कि जी आप चैनल्स पे बैठते हैं, हक की जो बात करते हैं उनसे अक्सर लोग नाराज ही रहते हैं जी। तो अब वो ये ही बात होती है कि जी फलां मियां बीवी हैं, बीवी जो है उसका कहीं और जो है वो सिलसिला चल रहा है, शौहर का कहीं और सिलसिला चल रहा है। आप क्या सिखाना चाह रहे हैं, क्या बता हमें ये राइटिंग में ये बताया हमारे असातिज़ा ने। अच्छा मैं उरूज एक बात बहुत अरसे से चाह रहा था और वो अच्छा हो गया, मुझे याद आ गया कि आपके जरिए आपके प्रोग्राम के जरिए मैं ये लोगों तक बात पहुंचा रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया जिस प्यार से आपने मेरा नाम और मेरी तारीफ की, मुझे खुद कुछ नहीं आता लेकिन मैं फख्र महसूस करता हूँ, प्राउड फील करता हूँ कि मैंने बहुत बड़े लोगों के साथ काम किया। क्या बात, वो जिन अगर मैं नाम लूँ तो शायद प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाए। इतने बड़े बड़े लोग जो मुझे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया टेलीविजन के, वो लोग, वो असातिज़ा, वो ये चीज़ सिखाते थे। तो सबसे पहली चीज़ सिखाई गई क्या लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं, क्या बात है। जब ये तीन सवाल नहीं होंगे तो आपका कलम नहीं उठ सकता। अब पहला सवाल होता है क्या लिख रहे हैं, कि जो ड्रामा लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहे हैं, पैसों के लिए लिख रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही अब ये किसके लिए लिख रहे हैं, जो देख ले, जो भी मर्जी देख ले, जो मर्जी देख ले, कोई देखे ना देखे अल्लाह तो देख रहा है। और उन्हें ये नहीं पता कि वाकई अल्लाह देख रहे हैं, बाद में क्या होना है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ना तो नए लोगों से कोई शिकवा है, ना नए लोगों से गिला है, उन पुराने लोगों से शिकवा है। जब भी मैं ये बात कर रहा होता हूँ, आप उनको गाइड जरूर। अच्छा मेरा फर्ज है, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं अपने जूनियर को, क्योंकि मैंने अपने सीनियर मुझे दे के गए, ठीक ठीक, तो मुझे अगर कल को आप बैठ करके सवाल और ये किया कीजिए जरूर, सॉरी बिल्कुल, लेकिन ये सवाल जरूर किया कीजिए, आपने क्या दिया जी टीवी को। सही, टीवी ने तो मुझे शनाख्त दी ना, आपने मुझे बुलाया, ठीक ठीक, मैंने क्या दिया, क्या दिया मैंने पाकिस्तान को, क्या दिया। हम सवाल कर रहे हैं आज, पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, हम यूं हम फलां, हर आदमी के चेहरे पर, हर आदमी की जबान पर एक शिकायत है। चले ठीक है, मुमकिन है ठीक भी हो, सही, लेकिन आप भी तो पूछे, खुद नहीं सोचते, खुद नहीं सोचते कि आपने क्या दिया। हम लोग खुश खुश बातें नहीं करने लगे, नहीं बिल्कुल हम खुश बातें नहीं कर रहे, ये बिल्कुल रियलिटी है। लेकिन ये कि रियलिटी के ऊपर बात करने के लिए भी मेरे ख्याल जरूरत की जरूरत होती है, और हम में है जरूरत। Obviously, हम तो कर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा मैं खुश हूँ इस बात पे। और अगर कुछ लोग मुझसे नाराज हैं, हाँ। हर एक चैनल पे कोई ना कोई ऐसा बंदा जरूर होता है जहाँ मेरा नाम जाता तो कहता है कि ये इसको रहने दो। अच्छा हाँ, तो मुझे खुशी है। लेकिन हम लोगों का तो ईमान है कि जो मिलना है वो मिलना है, ठीक है। जो नसीब में लिख दिया है ये लोग क्या है, जो आपको रब ने नसीब में लिख दिया है, तो चाहे जितनी मर्जी आपकी कोई टांगे काटे, जो मर्जी आपके साथ करे, जो उस रब ने देना है वो तो आपको मिलना है बेशक। सो आई थिंक इन लोगों की परवाह। और मैं समझता हूँ कि मैं अगर सारी जिंदगी सजदे में जाकर खुदा का शुक्र अदा करूँ, तो जो मोहब्बत और जो प्यार मुझे लोगों ने दिया है, बखुदा मैं उसका शुक्र अदा नहीं कर सकता एक जिंदगी। बिल्कुल। और कहते हैं कि अगर आपने ये देखना है कि आपका रब आपसे कितना खुश है, तो ये देखें कि इर्द गिर्द के लोग आपसे कितने खुश हैं। वाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात। अगर आपको लगता है कि लोग इर्द गिर्द के खुश हैं और उनके चेहरों पे आपने मुस्कुराहट बिखेरी अपने काम के जरिए, तो आप कामयाब इंसान हैं जी। गुफ्तगू और बहुत सी बातें हैं, और बहुत कुछ आज सीखना भी है, सुनना भी है, और समझना भी है। रुकेंगे यहाँ पे ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और जानने की कोशिश करेंगे ज़ुल्करनैन हैदर को कि वो अंदर से क्या हैं, वो क्या चाहते थे अपनी ज़िंदगी में, और जो चाहा था क्या वो मिला या नहीं। आफ्टर द ब्रेक।